हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। होम फूड जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बनाते हैं इडली सांभर। सबसे पहले हम लेंगे तुअर की दाल, जिसको हमने 2 से 5 मिनट गला के रखा था। इसको अच्छी तरह से बैंगन, लौकी, कद्दू, शिमला मिर्च, टमाटर, कड़ी पत्ता, धनिया, प्याज, नारियल, हरी मिर्ची, चटनी के लिए हींग लेंगे, जीरा, राई, हल्दी, मिर्ची, सांभर मसाला, ऑयल। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सांभर। तो सबसे पहले कुकर लेंगे, कुकर में दाल को डालेंगे, लौकी डालेंगे, कद्दू डालेंगे, बैंगन डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, 1 चम्मच सांभर मसाला डालेंगे और पानी डालकर इसको अच्छी तरह से बॉईल करेंगे। 1 सीटी तेज पे और 3 सीटी धीमी पे इसको अपन बॉईल करने के लिए रख देते हैं। जितने हमारा सांभर बॉईल होता है, अपन नारियल की चटनी बनाएंगे। हरी मिर्ची लेंगे, नारियल लेंगे, नमक डालेंगे और इसको ग्राइंड करेंगे। देखिए, नारियल की चटनी बनके तैयार हो चुकी है। अब अपन इडली का बैटर तैयार करेंगे। इसमें पानी डालेंगे, उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको ढक के 1 मिनट रखेंगे। देखिए, इधर हमारा सांभर भी बॉईल हो रहा है। अब अपन नारियल की चटनी में तड़का लगाएंगे। राई डालेंगे, हल्दी डालेंगे, 1 हरी मिर्ची डालेंगे, 1 लाल मिर्ची खड़ी डालेंगे और नारियल की चटनी में तड़का लगाएंगे। देखिए, हमारी नारियल की चटनी भी बनके तैयार हो चुकी है। अब अपन सांभर बनाएंगे। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, उसमें हींग डालेंगे, 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 1 चम्मच राई डालेंगे, 1 कटा हुआ प्याज डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कड़ी पत्ता डालेंगे, 1-2 हरी मिर्ची डालेंगे, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डालेंगे, 1 कटा हुआ टमाटर डालेंगे, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और थोड़ा पानी डालकर उसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ढक के 1 मिनट रखेंगे। देखिए, अब इसमें 1 खड़ी मिर्ची डालेंगे, सांभर मसाला डालेंगे 1.5 चम्मच, 1 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे, इमली का पेस्ट डालेंगे और ढक के इसको 1 मिनट रखेंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा पानी डालेंगे जिससे हमारा मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए। इसको 1 मिनट पकने देंगे। देखिए, हमारा मसाला अच्छी तरह पक चुका है। अब इधर जो हमने सांभर उबाल के रखा था, वो इसमें डालेंगे। देखिए, हमने सांभर डाल दिया है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसमें जितना आपको पतला रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डालेंगे, हरा धनिया डालेंगे और इसको बॉईल होने देंगे। 5 मिनट ढक के रखेंगे। जितने हमारा सांभर हो रहा है, उतने अपन इडली बनाएंगे। इडली के बैटर में पानी डालकर उसको गर्म करेंगे और इडली के बर्तनों में ऑयल लगाएंगे अच्छी तरह से और इडली के बैटर को इसमें डालेंगे। देखिए, हमने डाल दिया है। इधर पानी भी हमारा बर्तन में गर्म हो चुका है। अब इसमें अपन इडलियों के बर्तन को रखेंगे। देखिए, हमने सारे रख दिए हैं। अब इसको ढक के 10 मिनट इसको ढक के पकाएंगे। इधर हमारे सांभर में भी बॉईल आ चुका है अच्छी तरह से। इसमें और हरा धनिया डालेंगे थोड़ा और ढक के 2 मिनट और रखेंगे। देखिए, इधर हमारी इडली भी बन चुकी है। चाकू लेंगे, उसमें ऑयल लगाएंगे और इडलियों को अपन निकालेंगे ठंडा होने के बाद। देखिए, कितनी सॉफ्ट इडली बन के तैयार हो चुकी है हमारी। आप देख सकते हैं, इधर हमारा सांभर भी बन चुका है। तो अपन इसको सर्व करेंगे।
खुशबू भी खूब अच्छी आ रही है। देखिए हमारा टेस्टी सांभर बनके तैयार हो चुका है। इसको इडली और नारियल की चटनी के साथ सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।